हेलो दोस्तों अभिनव नाम है मेरा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में तो आज से ना हम लोगों का हमारा जो मेंस बैच है वो स्टार्ट हो रहा है अब देखो मेंस बैच में हम क्या करने वाले हैं तो मेंस बैच में हमारा कोई प्री का कोई चैप्टर वाइज नहीं आने वाला है क्योंकि उसके लिए हमारा ऑलरेडी गणित का प्राइम टाइम चलता है हम लोग मेंस बैच में क्या करने वाले हैं पर्सनली मैथ्स के लिए जितने भी लाइव मॉक्स होते हैं उनका सॉल्यूशन करने वाले हैं और उसके अलावा जो ई e मॉक का है जो मेरा खुद का है उसका सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं आप ये मानकर चलो कि आपके एग्जाम से पहले एटलीस्ट पच्चीस से तीस मॉक का सोल्यूशन मैं करवाऊंगा आपको अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन में जाऊं तो हंड्रेड क्वेश्चन है और आई कैन बेट की इससे बाहर नहीं आएगा सारे कंसेप्ट कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को तो आज जो हम करने वाले हैं ये बेसिकली ऑलिव बोर्ड का जो लाइव मॉक हुआ था उनतीस और तीस तारीख को यानी कि कल और परसों उसी का सॉल्यूशन है ऑलिप बोर्ड वाली जो वीडियो है वो आपको हर बार मंडे को मिल जाए करेगा और ई मॉक वाला आप मान के चलो कि बुधवार को मिल जाएगा मतलब वीक में तीन वीडियोस का मेरा टारगेट है एक और किसी का हम बहुत जल्दी उठाने वाले हैं क्योंकि मुझे थोड़ा परमिशन चाहिए होता है हम ऐसे किसी के ऊपर वीडियोस नहीं बना पाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है हालांकि मैं खुद इनका प्रमोशन ही कर रहा हूँ एक तरह से अगर मैं इनका वीडियो दे रहा हूँ तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बट कई बार हो जाता है तो जो लोग बिल्कुल नए हैं आप में से बहुत लोग दो की भी तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि मैंने हमारा जो टारगेट बैच है एक तरह से टारगेट मेंटरशिप है ठीक है जो फ्री मेंटरशिप है उसमें मैंने आपको बताया था कि सीजीएल 2024 की भी तैयारी करने वाले के लिए ये वीडियो मस्ट है तो अगर आप 2024 की वीडियो देख रहे हो तो आप ये वाला मॉक ले लेना ई मॉक डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा 2024 कोड लगाओगे तो 40 मॉक ध्यान रखना 40 मॉक सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए में मिलता है आपको ठीक है और सबसे अच्छी बात क्या इस मॉक का एक तो आ, सारा सॉल्यूशन मिलेगा आपको प्लस मैथ्स का सॉल्यूशन मैं खुद प्रोवाइड करवाऊंगा इसका और ये 2023 मेंस वालों के लिए है तुम तो बिल्कुल सोचो मत 2023 मेंस जिसको लग रहा है कि देना है जिसको डाउट भी लग रहा है ना वो भी ले लो उनतीस रुपए में आपको 10 मॉक मिल रहा है गारंटेड इसका प्राइस बढ़ेगा जरूर बढ़ेगा बिकॉज की हमें भी मतलब जिसका भी है मैं बोल रहा हूं हमारा मतलब ऐसा नहीं है मेरा ही है ठीक है लेकिन आप ये मान के चलो टेस्ट मैं ही बनाता हूँ दो हजार लगाना उनतीस में आपको दस मॉक मिल जाएंगे ठीक है तो दो मिनट मैंने आपका खराब कर दिया है अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं इतना ही टाइम मैं आपका हर रोज वेस्ट करूंगा ढाई से तीन मिनट मान लो उसके बाद हमारी क्लासेस में बिल्कुल भी बातें नहीं होती है कुछ भी नहीं होता है सिर्फ और सिर्फ <laughs> क्वेश्चन होते हैं ठीक है देखो पहला क्वेश्चन क्या है आज का पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर आपको फिगर दिख रहा होगा एक स्क्वायर है एक और चीज बहुत हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे वो बोलेंगे कि, देखो, मैं लेकिन इसका पॉसिबल नहीं है तो आपने ये मॉक दिया होगा आप इतना तो कर सकते हो ठीक है तो बेसिकली ये फिगर दे रखा है जो बेसिकली क्वाड्रेंट के अंदर क्वाड्रेंट आपको पता है वृत्त का वन चौथाई होता है जिसको हम चतुर्थांत भी कहते हैं इसके अंदर एक स्क्वायर है स्क्वायर का साइड यानी कि पी क्यू जो है ना ये सेवन दे रखा है कितना दे रखा है ये सेवन ये कितना दे रखा है सेवन तो बताओ ये भी सेवन होगा ये भी सेवन होगा ये कितना हो जाएगा अगर ये सेवन है ये सेवन है तो ये हो जाएगा हमारा सेवन रूट टू क्योंकि ये 90 डिग्री होता है अब आपको एरिया ऑफ सेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है वन बाय फोर पाई स्क्वायर ध्यान रखना इसका कितना हो जाएगा अगर मैं क्वाड्रेंट के लिए देखूं तो का एरिया सॉरी रेडियस करना है हमें और आपका आंसर आ जाएगा देखो क्या आ जाएगा इसको आप सॉल्व करो तो uh, यह आ जाएगा ट्वेंटी टू अपॉन में ट्वेंटी एट इन में उनचास इंटू में दो का रूट स्क्वायर करोगे तो ये दो ही हो जाएगा ठीक है देखो दो से कटा ये चौदह फिर दो से कटा ये ग्यारह हो जाएगा और ये सात ये सात से कटा सात तो ये आ जाएगा आपका इज इक्वल टू सेंटीमीटर ओके ऑप्शन नंबर डी इसका होगा ट्वेंटी एट ठीक है तीन ही ऑप्शन आप आए स्क्रीन शॉट में तो चौथा ऑप्शन था ट्वेंटी एट ऑप्शन सही था लेकिन इसका ठीक है क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो क्या है क्वेश्चन मैंने सफल कर दिए हैं ठीक है ये नहीं कि पहला क्वेश्चन पहला आएगा ठीक है सफल क्वेश्चन होंगे ठीक है देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है अ सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 3.6 टाइम्स ऑफ इट इन एट ईयर देखो एक अमाउंट है जैसे मान लो अगर वो अमाउंट सौ रुपए है ना तो आठ साल में ये बन जाता है तीन सौ कितना बन जाता है तीन तो बताओ इंटरेस्ट कितना कमाया दो कितने साल में आठ साल में कर दो इसको सॉल्व थर्टी टू पॉइंट फाइव रुपीज सौ का बत्तीस पॉइंट पांच कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है थर्टी टू पॉइंट फाइव बेसिक्स आपको आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बहुत कैलकुलेटिव भी है इसको कैसे करोगे देखो क्या है फाइंड द सम ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ना एस SI आई और सीआई का सम निकालना है चक्रवती ब्याज और साधारण ब्याज का सम निकालना है तीन साल थ्री इन एट दो मिनट देना मैं कैमरा सेटअप कर लेता हूं अभी ठीक है ओके okay. तीन साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का सम कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट चालीस परसेंट है और प्रिंसिपल कितना है छत्तीस हजार देखो आसान क्वेश्चन है थोड़ा कैलकुलेटिव है। तो कैसे निकालते थे? याद होगा हमने केक वाला मेथड से किया सिंपल तो तो मैंने छत्तीस हजार चार सौ का सिंपल फोर्टी बाय हंड्रेड कर दिया कितना आ जाएगा चौदह हजार चार सौ पहले साल भी यही रहेगा दूसरे साल भी यही रहेगा और तीसरे साल भी यही रहेगा जब हम बात करें सिंपल इंटरेस्ट की तो सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल अगर मैं इनको ऐड कर दूं अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ऐसा ही आपका निकल जाएगा चौदह या बयालीस तैंतालीस हजार दो सौ यह आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट ओके अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करते थे देखो तीनों साल का सिंपल इंटरेस्ट ये है दूसरे साल इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगेगा तो चौदह हजार चार सौ का चालीस परसेंट कितना होगा सिंपल चौदह हजार चार सौ का चालीस परसेंट निकाल दो तो कितना जाएगा? चौदह चौके छप्पन संतावन सौ साठ ठीक है संतावन सौ साठ छप्पन हाँ संतावन साठ ठीक है? चौदह चौदह चालीस हजार चार सौ का चालीस परसेंट निकाला है मैंने अगले साल क्या होगा ये अमाउंट डबल हो जाएगा ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाले चैप्टर में गणित का प्राइम टाइम देखो समझ में आ जाएगा यह आ जाएगा आपका दस हजार ग्यारह हजार पांच सौ बीस ओके इसको डबल कर दो ठीक है क्यों क्योंकि अगले साल इन दोनों पे इंटरेस्ट लगता है और फिर क्या होगा इसका चालीस परसेंट पांच हजार सात सौ साठ का फाइव सेवन सिक्स का 40 कर सकते हो देखो जीरो सौ छिहत्तर इंटू में चार कितना होगा दो हजार पिछहत्तर इंटू में चार तीन सौ होता है तेईस सौ चार रुपए तो कुल मिला के अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ने की कोशिश करूं देखो कितना हो जाएगा ये आ रहा है तैंतालीस हजार दो सौ यह आ जाएगा ग्यारह पांच सोलह सत्रह हजार दो सौ अस्सी और यह आ जाएगा तेईस सौ चार अगर मैं इन सब को एड कर दू तो तैंतालीस सत्रह कितना होता है साठ हजार साठ हजार तीन सौ दो सौ साठ दो बासठ हजार बासठ हजार तैतालीस सत्रह साठ दो बासठ दो दो चार दो छत सात सौ चौरासी तो इसको ऐड करोगे एक लाख छ हजार दो तीन पांच दो सात सौ सो, सॉरी अरे यार हाँ एक लाख फाइव नाइन एट फोर आ तो गया ये ठीक है कैलकुलेशन था और कुछ भी नहीं था ये वाला मेथड आपको आना चाहिए ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इन वॉट रेशियो थर्टी सिक्स परसेंट ऑफ एल्कोहल इज मिक्सड विद परसेंट एल्कोहल देखो ये क्या कह रहा है कि अड़तालीस परसेंट एल्कोहल में कितना मिलाया जाए कि मिक्सड एल्कोहल कितना हो चालीस परसेंट हो एलिगेशन लगेगा सिंपल आठ में से चालीस चालीस में से छत्तीस रेशियो क्या जाएगा टू इज वन हम मॉक कर रहे हैं हम मान के चल रहे हैं कि आपको बेसिक्स आते हैं बेसिक नहीं आता है प्राइम टाइम देखो मेरा यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है देखो क्या कह रहा है दो ट्रेन है ए और बी स्टार्ट ट्रेवलिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम स्टेशन एक्स टू स्टेशन वाई एट द स्पीड ऑफ सत्तर एंड सौ देखो दो ट्रेन है <clears throat> दोनों ट्रेन ए और बी से जाता है एक की स्पीड है सत्तर किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर ठीक है पहला वाला जो ट्रेन है ना वो दूसरे वाले ट्रेन से पांच घंटे पहले पहुंच जाता है कितने घंटे पहले पहुंच जाता है पांच घंटे पहले पहुंच जाता है तो बताओ कि डिस्टेंस कितना है एक्स और वाई के बीच में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में तो के साथ जाएगा। वो कैसे जाओगे? एक तो टेबल क्योंकि ये सत्तर के में नहीं आ रहा ये भी नहीं आ रहा है बत्तीस सौ भी नहीं आ रहा है, ये इसका है। अगर ऑप्शन के साथ जाना हो तो ठीक है लेकिन आपको तो पता ही है हम सॉल्यूशन भी करेंगे बिल्कुल करेंगे देखो कितना आसान है एक ट्रेन डिस्टेंस जाने के लिए आप ये मानकर चलो दूसरे से पांच घंटे ज्यादा ले रहा है अब अगर मैं ये मान के चलू कि पहला वाला जो ट्रेन है जो सौ किलोमीटर अगर ये एक्स घंटा चला है तो दूसरा वाला जो ट्रेन है वो एक्स प्लस पांच घंटे चला होगा कह सकते हो ना ऐसा क्योंकि एक दूसरे से पांच घंटा ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है अब एक बात बताओ इसकी स्पीड है सौ और एक्स किलोमीटर एक्स घंटा चल रहा है तो कितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा हंड्रेड एक्स इस बंदे ने कितना ट्रेवल किया होगा सत्तर की स्पीड से एक्स प्लस फाइव और दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही है ना क्योंकि भैया ट्रेन ए से B जगह जा रही है तो कह सकते हो कि हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू से थर्टी एक्स इज इक्वल टू थ्री फिफ्टी एक्स की वैल्यू आ जाएगी थ्री फिफ्टी अपॉन में थर्टी विच इज इक्वल टू थर्टी फाइव बाई थ्री बट ध्यान रखना ये आर आया है ये क्या आया आ रहा है ये टाइम आया है। अगर आपसे पूछा जाता तो बताओ कि डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा तो 35 तीन घंटे अब आपसे टाइम नहीं पूछा डिस्टेंस पूछा है। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 100 की स्पीड से 35 बटे में तीन आर तो कितना ट्रे डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 3500 अपॉन में थ्री ये चार्ज में लगा दियो ये लगा शायद चार्ज है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर तो है नहीं हमारे पास तीस क्वेश्चन करने वाले हैं क्यों क्योंकि ये का पेपर है ध्यान रखना ओके इफ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ बिटवीन एनी टू ऑफ वर्टिसेस ऑफ अ क्यूब एक चीज हमेशा ध्यान रखना एक क्यूब के अंदर जो मैक्सिमम एक कह लो कि एक आ, सीधी सी रेखा खींची जा सकती है एक सीधी सी रेखा खींची जा सकती हो या फिर एक मान के चलो कि एक बड़ा सा पोल रखा जाता है उसके अंदर तो उसका फॉर्मूला होगा जैसे अगर ये ए है ए है तो इसका डायमीटर कह लो या डायगनल कह लो डायग्नल कह लो तो डायग्नल यानी कि डायग्नल क्या बोलते हैं विकर्ण विकर्ण कह लो वो क्या होता है ए रूट थ्री

जो कौन होता है कौन का कुल पीछे क्षेत्रफल कितना होता है सिक्स ए स्क्वायर यानी चार का स्क्वायर सोलह सोलह इंटू में छियानवे ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं एग्जाम में मतलब बच्चा ना इसमें टाइम लगा देता है बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना आपको ठीक है आपको आता है लेकिन फिर भी टाइम लगा होगा देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी हो लिख लो इस जगह को अगर एक्स माइनस वन बाय एक्स पी दे रखा है तो एक्स की क्यूब माइनस वन बाय एक्स की क्यूब निकालने में पी की क्यूब प्लस थ्री पी ये फॉर्मूला होता है क्या कह रहे हो सर ये तो हमें आता है ना ये देखो हमें क्यूब एक्स की क्यूब माइनस वन अपॉन में बी की क्यूब एक्स की क्यूब तो कैसे निकालोगे यही तो निकालना है ना तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा देखो कैसे पी की क्यूब प्लस में थ्री पी अब तक बिल्कुल सेम ही किया है ना अब देखो यहां पे ए ऊपर है बी नीचे है ना तो ए ऊपर बी नीचे यही फॉर्मूला होगा ठीक है तो देखो सिंपल क्या हो जाएगा आठ था ना तो आठ का क्यूब पांच सौ बारह प्लस में थ्री इन में आठ ए ए कितना था ए है सात और ये है तीन तो सात अपॉन में तीन तो देखो तीन से तीन कटा पांच प्लस में छप्पन पांच सर, ये आंसर आ जाएगा ठीक है ऐसे ही करना है आपको अगर प्लस हो तो जैसे अगर ये प्लस होता ना तो हम यहाँ पे प्लस लगा देते और यहाँ पे माइनस लगा देते स्क्वायर का भी होगा तो भी यही करना है ये चीज़ ध्यान रखना। बिल्कुल भी घबराना नहीं है इन क्वेश्चनों में एक तो मैथ से ही डरना नहीं है क्योंकि मैं हूं ना सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको एक और चीज है कि आप में से चलो मैं वीडियो के बीच में ही बता देता हूं मैंने सोचा था एंड में बताऊंगा आप सबको पता है पटना में मैं एक ऑफलाइन मेंटरशिप टाइप का एक बैच चला रहा हूँ स्टार्ट करने वाला हूँ तो बहुत बच्चे पूछ रहे थे थोड़ा डिटेल करने के लिए तो बहुत थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं बता देता हूँ क्या है बेसिकली देखो हम लोग ना जो पटना वाले हैं उनके लिए है ये अदरवाइज आप एक से डेढ़ मिनट आगे कर लो आपके काम का नहीं है अगर आप पटना में नहीं हो तो अगर आप पटना में हो तो हम ना एक आप यूं कह लो एक ऑफलाइन बैच चल रहा है बहुत नॉमिनल सी फीस है आप व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा आप उसमें पूछ लेना मुझसे मैं पूरा डिटेल बता दूंगा मैं मतलब जो भी चलाता है वो वो आपको बता देगा तो इसमें हम क्या करने वाले हैं ना मैं आपको सिर्फ मैथ्स पढ़ाऊंगा ठीक है मैं सिर्फ आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा और हम ना आपको अगले छह महीने या आठ महीने के लिए ये 2024 वालों के लिए है, जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं मैं एक बढ़िया सा प्लान बता दूंगा ठीक है और खुद मैं मेंटरशिप करूंगा आप वन एंड वन आप ये समझ लो वन एन वन मेंटरशिप होगा और आपको बाकी चीजें भी बता दी जाएगी कि कहाँ से पढ़ना है ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स ही पढ़ाया जाएगा मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा आप मुझसे रीजनिंग के भी डाउट्स ले सकते हो यू ऑल नो कि मैं रीजनिंग में भी बहुत अच्छा हूँ इसके अलावा भी आप डाउट्स ले सकते हो और मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा कहाँ से पढ़ना है और सब कुछ फ्री में ठीक है इसके लिए कुछ भी नहीं है तो अगर आप पटना में हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो हो सकता है कि आप बोरिंग रोड से थोड़ा दूर रहते होंगे लेकिन इट्स वर्थ हर रोज आधा घंटा तो आप ट्रेवल कर ही सकते हो पटना छोटा सा है और मॉर्निंग में बैच होगा अर्ली मॉर्निंग तो अर्ली मॉर्निंग वैसे भी ट्रेवल करने में कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं होता है तो आप लोग आ सकते हो डिस्टेंस ज्यादा मैटर नहीं करती सात आठ किलोमीटर का तो पूरा पटना है बहुत लोग बोलेंगे कि सर हम लोग वहां रहते हैं वो दूर है ठीक है वो दूर नहीं है पास है ठीक है सब आ जाएगा ठीक है अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे देखो क्या है

सिंपल सॉल्व हो जाएगा अब ऐसे क्वेश्चन से बच्चे परेशान हो जाते हैं अरे आजा भाई नीचे यह बहुत परेशान करता है यार एच सी एफ एन एल सी एम ऑफ टू नंबर इज इलेवन एंड सिक्स नाइन थ्री विच ऑफ द फॉलोविंग कैन बी द स्मॉलेस्ट ऑफ द टू नंबर इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है एक नंबर ग्यारह है दूसरा सिक्स नाइन थ्री है अब Which of the following कैन बी द smallest नंबर स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट तो हम बाद में देखेंगे देखो कितना कितना है? 11. LCM कितना है? 693. सबसे पहले जो भी नंबर्स होंगे ना वो ग्यारह के टेबल में आएंगे वेरी गुड सारे के सारे हैं ठीक है दूसरा वो सिक्स नाइनटी थ्री को भी तो डिवाइड करेगा ना देखो कैसे चार और छे का एल्शियम क्या होता है बारह ना देखो छह के टेबल में भी बारह आता है चार के टेबल में भी बारह आता है ठीक है तो वो जो दो नंबर होंगे वो दोनों ही सिक्स को कट कर रहे होंगे एक तो देखो इसका ना जो इकाई वाला संख्या है यूनिट वाला वो तीन है तो तीन छह के टेबल में कभी नहीं आता पांच में कभी नहीं आता आठ में कभी नहीं आता सेवनटी सेवन में आता है आप देख लो सेवनटी सेवन को नाइन से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा ठीक है सेवनटी सेवन इंटू में नाइन यही होता है ठीक है तो आप इसको ऑप्शन के साथ करोगे और आ जाएगा ऐसे और कुछ नहीं है इसमें सीखने ज, ज, जैसा देखो एक आर्टिकल है उस आर्टिकल के लिए कह रहा है कि चार चार हजार का आर्टिकल है और उसको बेचने पे पच्चीस परसेंट प्रॉफिट होता है पच्चीस परसेंट प्रॉफिट का मतलब है सौ रुपए का सामान एक सौ पच्चीस रुपए में बेचा जा रहा है यानी चार का सामान पांच में बेचा जा रहा है ठीक है तो सेलिंग प्राइस कितना है चार चार हजार किसकी वैल्यू है पांच की तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा चार सॉल्व कर दो 32, ये तो आसान क्वेश्चन है ये ये आप सबको हो गया होगा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन है है बहुत प्यारा है. कुछ को, इसका तो मेरे पास स्क्रीन भी आए कुछ बच्चों ने भेजा कि भैया ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा मैंने बोला वेट तो कर लो यार यारोल्यूशन तो करवा ही रहा हूं ना हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर देयर विच गिव रिमाइंडर ऑफ एट वेन सिक्स ट्वेंटी Is by these देखो, कितने है जिसको अगर मैं 620 से डिवाइड करू ना तो रिमाइंडर आठ आएगा तो सिंपल सी बात है कि 620, अगर उसको डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आठ तो कुल मिला के फैक्टर होगा होगा छह वो 612 का फैक्टर तभी तो रिमाइंडर 8 आएगा ना भैया अभी तो रिमाइंडर आठ आएगा ना यानी कि ये कह सकता हूं कि वो जो नंबर है वो छे सौ बारह के टेबल में आएगा तो एक काम करते हैं पहले छे सौ बारह के फैक्टर्स निकालते हैं कैसे करोगे छह सौ बारह का फैक्टर एलसीएम ले लो तो पहले दो से करोगे तीन सौ छ फिर दो से करोगे एक सौ तिरपन फिर तीन से करोगे इक्यावन फिर तीन से करोगे सत्रह तो इसको मैं लिख सकता हूं टू टू का स्क्वायर इन टू में थ्री का स्क्वायर इन टू में सेवनटीन की पावर वन तो पहले तो हम टोटल फैक्टर्स निकालते हैं छह के कितने फैक्टर्स है तो कभी भी अगर आपको टोटल फैक्टर निकालना हो किसी भी नंबर का तो क्या करोगे ऐसे ही पहले उसको एक प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दोगे ऐसे लिख दिया मैंने अब देखो टोटल फैक्टर का फॉर्मूला क्या होगा सिंपल टू की पावर टू है ना जो भी पावर है उसमें एक ऐड करो यहां पे भी टू है तो एक ऐड करो यहां पे एक है तो दो करो तो तीन तीया नौ अठारह यानी टोटल फैक्टर कितने छह सौ बारह के टोटल फैक्टर कितने अठारा। अरे एक भी नहीं है ऑप्शन क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए हमेशा सिर्फ फैक्टर नहीं उसने बोला रिमाइंडर आठ आना चाहिए एक चीज ये भी तो होगा ना कि वो जो नंबर है वो आठ से ज्यादा हो आठ से ज्यादा हो तभी तो रिमाइंडर आठ आएगा ना एक बात बताओ किसी भी नंबर को तुम सात से डिवाइड कर लो कर लो क्या कभी भी सात से ज्यादा रिमाइंडर आ सकता है या सात भी आ सकता है नहीं आ सकता क्योंकि कभी भी जब एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम रिमाइंडर उससे एक कम ही आएगा जैसे अगर मैं किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड करूं ना तो मैक्सिमम रिमाइंडर 99 आ सकता है तो मैक्स तो ये जो 18 फैक्टर है ना ये 18 टोटल फैक्टर है 612 के आठ से छोटे वाले तो होने नहीं चाहिए ना तो आठ से छोटा वाले कौन कौन से है एक तो एक है एक तो हर जगह कॉमन है ना दूसरा दो है क्योंकि दो के टेबल में भी आता है यहीं से दिख जाएगा तीन है क्योंकि तीन आ रहा है फिर चार है क्योंकि टू का स्क्वायर चार है फिर देखो क्या पांच है नहीं है बट छे है दो और तीन दोनों है छे और कोई है क्या सात नहीं आ रही सत्रह है, सत्र है सात नहीं है बस इतना ही है क्योंकि हमें आठ से नीचे देखना है तो यानी कुल मिला के ऐसे पांच फैक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो अठारह में से अगर मैं पांच घटा दू थर्टीन इज योर आंसर वेरी इंपॉर्टेंट इस पे ध्यान रखना कि रिमाइंडर मैक्सिमम आठ ही है तो आठ से कम वाला फैक्टर इसमें बच्चे गलती किए हैं बहुत गलती करते हैं इसमें वो तो अच्छा है इनका भला हो कि इन्होंने क्या किया है ऑप्शन नहीं दिया वरना तो बहुत लोग ठीक कर लेते और फिर बाद में बोलते अरे बोर्ड वाले को तो आंसर ही नहीं आता ठीक होते हैं। मैं भी यही करता था अपने समय में देखो रेशियो ऑफ वन इंटरनल एंगल एंड रेगुलर पॉलीगन टू द वन एक्सटर्नल एंगल ऑफ द सेम पॉलीगन इज थ्रीज टू वन देखो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का रेशियो कितना है थ्री रेशियो वन एक तो हम हमें पता होना चाहिए कि इंटरनल प्लस एक्सटर्नल हमेशा वन एटी होता है पता है ना ये चीज तो? तो कह सकते हो कि थ्री और प्लस वन का सम हमेशा वन एटी होगा तो वन एटी यानी कि वन थर्टी फाइव और फोर्टी फाइव कह सकते हो कि इंटरनल एंगल 135 है और एक्सटर्नल एंगल 45 है कह सकते हो ना और एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला होता है 360 सिक्सटी बाय एन पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है 360 बाय एन ना यानी 360 अपॉन में एन इज इक्वल टू 45 एन इज इक्वल टू 360 अपॉन में 45 विच इज इक्वल टू 8 है क्या हुआ ही क्लियर है ऐसे करते हैं पेपर में क्वेश्चन आकाश और वाणी आकाश जो बिहार से बाहर वाले होंगे उनको जब मैं आकाश बोलता हूं तो लगता होगा कि मैं शो सौ में गलती करता हूँ बिहार वालों को तो नहीं पता चलता मैक्सिमम को हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है ठीक है तो आकाश और वानी इंटर इंडो वा पार्टनरशिप द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय आकाश एंड वानी इज फोर इज टू थ्री देखो प्रॉफिट का रेशियो जो है ना किसका आकाश और वानी का क्या है फोर है ओके और ये प्रॉफिट रेशियो ध्यान रखना और इन्वेस्टमेंट कितना है अब देखो आकाश ने बत्तीस हजार रुपए दस महीने के लिए लगाए हैं तो इसको तीन सौ बीस रुपए मिलना चाहिए तीन जीरो हटा दो मान के चलो तीन तो सौ बीस रुपए मिलना चाहिए और फाइंड द कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ वानी फॉर सिक्स मंथ अब ये पूछा है कि वाणी सिक्स मंथ के लिए कितना लगाएगी इनका कैपिटल निकालना है तो जैसे कि अगर मान लो अरे अगर इसने तीन सौ बीस रुपए दस के लिए लगाया तो तीन सौ बीस मिला तो ये मान लो x के लिए निकाला है तो सिक्स एक्स रहेगा और इसका रेशियो कितना है फोर इंसू थ्री यानी कि अगर ये चार की वैल्यू है तो एक की वैल्यू अस्सी हो जाएगी तो तीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी दो सौ चालीस यानी कि x कितना आ जाएगा यहां से चालीस चार इंटू में छ दो सो चालीस होता है ना चालीस हजार इसको ऐसे कर लोगे ठीक है मैंने ये आपको रेशियो एंड वाले में करवा रखा है तो चालीस हजार इज योर आंसर ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये देखो क्या कह रहा तो वन अपॉन में की वैल्यू तो कितनी होगी तो एक काम करते हैं कैसे करोगे देखो इन टू में एक बार जीरो लगाया तो ये जीरो हटा फिर एक जीरो लगाया ये भी हटा फिर एक जीरो लगाया ये भी हट गया फिर ये वाला जीरो हटाया ये, हट ये, हटा ये भी हट गया अब देखो फाइव थ्री सिक्स नहीं चाहिए हमें इस पांच से भी पहले पॉइंट हटाना है तो एक जीरो और लगाना पड़ेगा तो कुल मिला के मैं इसको लिख सकता हूं वन जीरो 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 कितनी बार जीरो बार जीरो पॉइंट थ्री वन सिक्स इज इक्वल टू दिस क्या किया हमने पांच जीरो से मल्टीप्लाई किया तो कर दो इसको पांच बार इससे मल्टीप्लाई जो ऊपर लिखा है तो आ जाएगा वन एट एट वन जीरो ठीक है बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं देखो क्या कह रहा है

0.25 परसेंट माइग्रेट कर गए और अगर नंबर में बोले तो 500 तो मैं कह सकता हूं कि ये 500 एक्चुअली में वही 0.25 है जो माइग्रेट कर गए तो बताओ 100 की कितनी होगी पॉइंट हटाओ दो जीरो है तो दो जीरो लगाओ फाइव जीरो अब 25 से कट करते हैं इसको 25 चार 400 को इसे करोगे तो दो लाख आ जाएगा अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल जहां पे सारे हाइट्स मिलते हैं ना एक ट्राइंगल का उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं ध्यान रखना ऑर्थो सेंटर कहते हैं जहां पे एंगल बाइक सेक्टर मिलता है उसको हम इन सेंटर कहते हैं और जहां पे साइड वाले बाई सेक्टर मिलते हैं या फिर यू कह लो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर मिलते हैं ना उसको हम आ, सरकम सेंटर कहते हैं ये चीज ध्यान रखना ये तीन चीज मैं आपको जोमेट्री वाले में ये करवा दूंगा इसका आंसर है ऑर्थो सेंटर ठीक है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है पेपर का लेवल ठीक ठाक था जैसे पेपर आया था वैसे ही है पिछली बार की तरह रूट सेवन की वैल्यू दे रखी है अब पूछा है कि इनमें से कौन कौन सा सही है कौन कौन सा नहीं है तो सबसे पहले तो रूट सेवन हंड्रेड को मैं क्या लिख सकता हूँ और थ्री रूट थ्री को क्या लिख सकता हूं सेवन रूट सेवन टेन रूट सेवन माइनस सेवन रूट सेवन इज इक्वल टू थ्री रूट सेवन रूट सेवन की वैल्यू अब पुट करके देखो टू पॉइंट सिक्स फाइव तो छब्बीस या अठहत्तर अठहत्तर और पंद्रह .95, तो ये वाला तो सही है दूसरा वाला देखो फाइव सिंपल देखो सेवन के ही फैक्टर्स होंगे ये भी 7 के ही फैक्टर्स होंगे नहीं क्या इसको हम कह सकते, सकते okay? मल्टीप्लाई कर दो नौ को दो से किया तो अठारह छह से किया तो फाइव पॉइंट फोर और पांच से किया तो फोर फाइव अठारह पांच तेईस पॉइंट आठ पांच ये भी सही है यानी दोनों ही सही है बोथ वन एंड टू आर ट्रू बस आपको कैलकुलेशन करना था और कुछ नहीं एक सॉलिड कॉपर है तो इसको ना पिघला करके एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बनाया गया है और रेडियस सेम है ठीक है एक सॉलिड कॉनिकल कॉपर है ध्यान रखना कौन साइज है उसको रिमोल्ड किया गया है एक सिलेंड्रिकल शेप में रेडियस जो है वो सेम है हाइट जो है ना नए वाले की हाइट 10 है तो आपसे पूछा है कि स्टैंड की हाइट कितनी होगी यानी उस कोन की हाइट कितनी होगी तो 1 बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच एच कितना था 10 ठीक है रेडियस हमें नहीं पता अब इसको पिघला करके एक सिलेंडर बनाया गया यानी पाई आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर और पाई कट जाएगा तो यहां से हाइट ऑफ द स्टैंड कॉनिकल कॉपर स्टैंड वॉज रिमोल्ड इन टू सॉलिड सिलेंडर बैटन सॉरी

एम एन ओ ये एम है ये एन है ये ओ है ठीक है यही बोला ना एम एन ओ एम पी एन क्यू एंड ओ आर आर द एंगल बाई सेक्टर एंगल बाई सेक्टर जहां मिलता है उसको क्या बोलते हैं इन सेंटर MNO दे रखा नाइन डिग्री कोई दिक्कत नहीं है द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ एमओ एंड एम एम ओ कितना है देखो ये वाला जो साइड है ना ये वाला जो साइड है ना ये दे रखा है चौतीस ये वाला जो साइड है ना ये दे रखा है सोलह पाइथागोरस लगा दो चौतीस का स्क्वायर सोलह का स्क्वायर चौतीस का स्क्वायर होता है ग्यारह सो छप्पन और सोलह का स्क्वायर होता है दो सौ छप्पन तो ग्यारह सौ छप्पन में से दो सौ छप्पन घटाया उसका रूट किया तीस तो ये तीस आ गया अब आपसे पूछा है इन रेडियस ऑफ इन सर्कल आपको ना इन रेडियस कह रहा है ये जो वगैरह दे रखा सब फालतू है आपसे पूछा इन इन रेडियस रेडियस एक चीज ध्यान रखना ऑफ परपेंडिकुलर मान लो बी बेस मान लो और सी हाइपोटेनस मान लो तो सोलह प्लस तीस छियालीस में से चौतीस बारह बटे में दो ये आंसर है आई होप क्लियर होगा देखो क्या कर रहा है इनिशियली रैक कंटेन्स बुक ऑफ टू सब्जेक्ट मैथ्स एंड फिजिक्स देखो मैथ्स और फिजिक्स इसके बुक्स है किस रेशियो में 12 और 13 में यानी कि 12x और 13x इफ 18 मैथ्स बुक एंड 8 फिजिक्स बुक वर डिस्ट्रीब्यूटेड अब देखो इसमें से क्या किया गया है 18 मैथ्स की किताब और 8 फिजिक्स की किताब को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है और उसके बाद जो रेशियो बचता है ना वो आ जाता है 15:22 यानी ये 15 है और ये कितना है 22 तो क्या पूछा है वट इज द नंबर ऑफ मैथ्स बुक इन द रैक इनिशियली इनिशियली बताओ इनमें से कौन सा है तो कई बार देखो अगर आपको डायरेक्ट करना होता है ना तो देखो बारह तो तेरा है ना तो मैक्सिमम चांस है आंसर वही होगा जो बारह के टेबल में आए अगर कम टाइम बचता है तो आप ऐसे टिक कर सकते हो ठीक है लेकिन आप इसको सॉल्व करते हैं देखो क्या जाएगा ट्वेल्व एक्स माइनस एटीन क्या जाएगा थर्टीन एक्स माइनस एट ठीक है अब इसको सॉल्व कर दो इनिशियली या यू भी कह सकते हो इसको ऐसे लिख सकते हो ना अपॉन में थर्टीन एक्स माइनस एट सॉरीवल टू क्या जाएगा पंद्रह और बाईस ये आपको सॉल्व करना है तो बाईस इंटू बारह कितना होता है दो सौ बीस और चौवालीस दो सौ चौसठ माइनस बाईस इंटू में अठारह देखो एक है बीस प्लस टू एक है बीस माइनस टू तो ए माइनस बी ए प्लस बी तो चार सौ में से चार गए तो तीन सौ छियानवे एक्स से बी था यहाँ पे इज इक्वल टू पंद्रह इंटू में तेरह वन सिक्सटी फाइव एक्स

तो तीन से किया तो तीन चौके बारह तीन से किया ग्यारह ग्यारह से कट करो नहीं बाईस कुछ तो हमने गलती की है ट्वेल्व एक्स माइनस थर्टीन एक्स अठारह मैथ्स आठ फिजिक्स रेशियो है पंद्रह बाईस बाईस दम दो सौ बीस और चौवालीस दो सौ चौसठ ठीक है चार सौ में से चार गए तो तीन सौ छियानवे भी ठीक है एक सौ पैंसठ भी ठीक है एक सौ बीस भी ठीक है दो सौ चौसठ में से एक सौ पैंसठ घटाओगे तो नाइनटी नाइन एक से ये भी ठीक है दो सौ छिहत्तर भी ठीक है पंद्रह एक सौ पंचानवे आएगा यस 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 यहाँ गलती की है पंद्रह को जब तेरह से करोगे तो एक सौ पंचानवे आएगा ठीक है वन नाइनटी फाइव आएगा माइनस एक सौ बीस तो अब इसको इधर ले आओगे तो ये आ जाएगा सिक्सटी नाइन एक्स इज इक्वल टू टू सेवन सिक्स एक्स की वैल्यू ये तो आप देख रहे हो चार से कट रहा है तो ट्वेल्व एक्स की वैल्यू फोर्टी एट जो मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही निकाल दिया था ठीक है बट आप एग्जाम में भले ही करना बट यहां सीख लो कि ऐसे करना होता है आंसर फोर्टी एट है वो चाहते तो आप शुरू में भी टिक कर सकते थे अगला देखो ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है ए मीटर लॉन्ग रोप इज टाइड अलॉन्ग टू पोल्स ऑफ हाइट चालीस मीटर देखो दो पोल है हाइट कितनी है इनकी चालीस मीटर दोनों की हाइट सेम है चालीस मीटर और चालीस मीटर सच दैट इट्स वन एंड ऑफ इट्स टॉप ऑफ द वन पोल एक पोल के टॉप एंड से दूसरे पोल के बॉटम एंड पर एक धागे को बांधा जाता है एक रोप को बांधा जाता है और इस रोप की लेंथ कितनी होती है ए मीटर ओके इस रोप की लेंथ कितनी होती है ए मीटर ओके अब आपसे क्या पूछा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज थर्टी डिग्री ध्यान रखना डिप्रेशन ये होता है एलिवेशन ये होता है ठीक है डिप्रेशन डाउन वाला और एलिवेशन अप वाला तो अगर एलिवेशन बोला तो यहां लिखा करो डिप्रेशन तो तीस ये ऑब्वियसली बात है ये तीस है तो ये साठ हो जाएगा ठीक है क्योंकि दोनों का सम 90 होता है अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है बहुत आसान है ये हमारा परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेनस है और ये 60 है तो साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू ए साइन 60 कितना होता है रूट थ्री बाय टू फोर्टी ए ए की वैल्यू आ जाएगी एट्टी बाय ठीक थी. है आसान था कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल एक्स आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो वाई आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंटेज इन द केस प्रॉफिट कितना होगा देखो ये कह रहा है एक्स का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो वाई के सेलिंग प्राइस के इक्वल है तो कह सकते हो अब इसमें पूछा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा एक तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना इनको साफ साफ बताना चाहिए कि एक्स बड़ा है या वाई बड़ा है ऑब्वियस बात है अगर वाई बड़ा हुआ तो उसको नुकसान होगा ठीक है सॉरी वाई अगर छोटा हुआ तो नुकसान होगा अब एक बात बताओ दस आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो पंद्रह आर्टिकल के सेलिंग प्राइस से बराबर हो यानी कि अगर वाई बड़ा बड़ा हो तो फिर तो नुकसान ही होगा ना तो इसको साफ साफ लिख देना चाहिए बट क्योंकि ये प्रॉफिट है तो ऑब्वियस ऑब्बियस बात है ये, ये कह रहा है कि एक्स बड़ा है किससे वाई से ठीक है एक्स बड़ा है किससे वाई से ओके एक्स इज ग्रेटर देन वाई ठीक है अब ऑब्वियस बात है देखो दस का कॉस्ट प्राइस पंद्रह के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो ठीक है तभी तो प्रॉफिट होगा ना नहीं उल्टा बोल दिया मैंने यार पंद्रह का कॉस्ट प्राइस दस के सेलिंग प्राइस के इक्वल हो तभी तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो टू इज टू थ्री होगा और प्रॉफिट होगा ना यानी कि इस केस में एक्स बड़ा है किससे वाई से लिखा भी तो मैंने वही था ठीक है ये क्वेश्चन में दिया जाएगा अगर नहीं दिया जाएगा तो समझ लो क्वेश्चन गलत है बेनिफिट टू ऑल गया ठीक है तो ये क्वेश्चन बेनिफिट टू ऑल जाना चाहिए तो कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या दे रखा है y अपॉन में x बट यहां हमें पता है कि x ज्यादा है y से तो बताओ अगर कॉस्ट प्राइस y है सेलिंग प्राइस x है तो प्रॉफिट कितना होगा प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ठीक है और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में हंड्रेड यही तो होता है ना देखो एक्स माइनस वाई अपॉन में वाई देखो एक तो सबसे पहले नीचे वाई होना चाहिए ये तो एक्स अपॉन में वाई है बट नीचे वाई है ना तो इसमें से एक्स एक तो वाई माइनस एक्स हमारा एक्स माइनस वाई है तो ऑप्शन सी सही है ठीक है ऐसे करना था ये क्वेश्चन को नंबर विद वैल्यू 84 इज एडेड टू सेट ऑफ 35 नंबर ये देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चे ना इसको सॉल्व करने लग जाते हैं हालांकि सॉल्व करके भी आ जाता है बट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन समझना एक नंबर है एटी फोर ठीक है एक पैंतीस नंबर का एक सेट है ठीक है यानी कि पैंतीस नंबर से टोटल यहां पे अलग अलग नंबर से मान लो उसमें जब एटी फोर एड किया गया ना तो जो एवरेज है ना जो न्यू मीन है न्यू एवरेज है वो एक एक बढ़ गया है सबका एक एक बढ़ गया है एक तो ये देखो ये पैतीस नंबर अब कितना हो जाएगा छत्तीस नंबर हो जाएगा क्यों क्योंकि ये जो बंदा है ना इसने सबका एक एक बढ़ा दिया है ओके ये तो पता है ना तो वॉज द मीन ऑफ थर्टी फाइव नंबर तो कुल मिला के इस एटी फोर ने सबसे पहले क्या किया इन छत्तीस के छत्तीस को पहले तो पैतीस ये और अपना एक खुद छत्तीस को एक एक नंबर दे दिया यही कहोगे ना तो एटी फोर में से छत्तीस घटा दो कितना बचा अड़तालीस ना तो कह सकते हो कि पहले सबके पास अड़तालीस अड़तालीस रुपए थे सबके पास अड़तालीस अड़तालीस थे इसने क्या किया अपने पह, अपने लिए पहले खुद अड़तीस रुपए निकाले अड़तालीस रुपए अपने लिए खुद रखा फिर देखा कि भैया मेरे पास अभी छत्तीस रुपए बच गए हैं अरे रुक जा छत्तीस रुपए बचे हुए हैं ठीक है पहले तो इसने खुद भी अपने लिए अड़तालीस ही रखा फिर इसने क्या किया इस 36 में से पैंतीस रुपए इन लोगों को दे दिया सबको एक एक रुपए मिल गए और खुद को भी एक रुपए तो तो को ऐसे ही किया करो और सीधा आंसर आ जाएगा अड़तालीस ठीक है अगर आपसे न्यू एवरेज पूछा जाता तो उनचास होता आंसर बट इसने पूछा वट वॉज द मीन ऑफ थर्टी नंबर ओके यू डोंट नीड टू डू फुल क्वेश्चन ओके जस्ट खत्म करो इसको

ध्यान रखना नॉट डिफाइंड इनफिनिटी इस क्वेश्चन में गलती है ठीक है ऑलिव बोर्ड की तरफ से इस क्वेश्चन में गलती है देखो क्या कह रहा है रेडियस ऑफ द कोन इज डबल एंड द स्लैंट हाइट इज हाफ ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कायदे से रेडियस अगर डबल होता है ना तो स्लेंट स्लेंट हाइट हाफ होगा ही नहीं ठीक है तो ये स्लैंट हाइट को ना पढ़ के ना सिर्फ हाइट पढ़ो ठीक है और उसी से आंसर भी आ रहा है तो क्या पूछा है इफ द रेडियस ऑफ द कोन इज डबल एंड हाइट इज हाफ देन इज द रेशियो बिटवीन द रेगुलर वॉल्यूम टू द न्यू वॉल्यूम देखो पहले वाला वॉल्यूम क्या होगा पाई न्यू ne वाला वॉल्यूम क्या होगा वन बाई थ्री पाई आर यानी कि डबल हो गया है टू आर और हाइट यानी एच बाई टू तो देखो वन बाई थ्री पाई वन बाई थ्री पाई कट गया आर स्क्वायर एच बचा यहां पे यहां बच जाएगा फोर आर स्क्वायर एच अपॉन में टू आर स्क्वायर एच आर स्क्वायर टू कट गया ये टू बचा ये वन आचा वन इज टू टू ठीक है तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा करेक्ट कर लेना ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए फर्स्ट क्वार पहले क्वार है कि सब पॉजिटिव है ओके देन द वैल्यू ऑफ टेन ए टेन ए की वैल्यू निकालनी है कैसे करोगे देखो इसको इधर लेख चले जाओ इसको इधर लेख चले जाओ या किसी एक को भी ले आओ, ठीक है? अब देखो जैसे इसको हम लिख सकते हैं ये कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस ए एज इक्वल टू साइन ए उधर चले जाएगा तो पॉजिटिव साइन ए आ जाएगा मैंने क्या किया इसको इधर लेके आ गया हूं और इस भाई साहब को इधर ठीक है? नाउ इन दोनों में कॉमन क्या है तो फॉर्मूला यही होता ना साइन ए अपन में कॉस ए और यहां पे वन माइनस साइन स्क्वायर बचा तो वन माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए तो कह सकते हो कि टेन ए कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है क्लियर दो पाइप है के और एल इसको एक टैंक से अटैच किया गया है और दे कैन फिल द टैंक अलोन इन 56 सिक्स मिनट एंड 28 एट मिनट एक जैसे ध्यान रखना कि जो के है ना वो छप्पन मिनट में भर सकता है एल जो है वो अट्ठाइस मिनट में भर सकता है एक लीकेज है बॉटम में In in तो ज का, का काम कर रहा। और वो कितनी देर में खाली कर देता है एक सौ बारह मिनट में क्लियर है पाइप एंड सिस्टम किया ही था आपने कर लो इसको टोटल एफिशियंसी कितनी आ जाएगी एक सौ बारह एल्सियम ले लो छप्पन अट्ठाईस तो आ गई दो इसकी आ गई चार और इसकी आ गई माइनस एक माइनस क्यों आई है भाई कि लीकेज का, का काम कर रहा है पानी को फेंक दे रहा है बाहर ठीक है अब आप इसको ऐड कर दो चार दो यानी कि अगर तीनों मिलकर करे तो एक घंटे में पांच मिनट या एक मिनट में पांच पानी भरेगा और भरना कितना एक तो टोटल कितना टाइम लगेगा एक बटे में पांच विच इज इक्वल टू बाईस ठीक है होता गया ये समझ लो बहुत बच्चों को इसमें दिक्कत आती है जैसे ये वाला जो एरिया होता है ना ये वाला इसको हम आर्क कहते हैं तो लेंथ ऑफ एन आर्क का मतलब ये है जैसे ये वाला निकालना है अगर रेडियस कितना दे रखा है इक्कीस सेंटीमीटर और एंगल कितना है फोर्टी डिग्री तो बताओ ये कितना होगा तो सिंपल लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर यानी टू बाई आर्क ठीक है परिमाप इनटू में थीटा बाई थ्री सिक्सटी यह फॉर्मूला होता है तो टू पाई बाईस बटे में सात रेडियस इक्कीस है और थीटा कितना है पैंतालीस बटे में तीन सौ साठ यह आठ से कटेगा सात कटेगा तीन से दो कटेगा चार से ये ग्यारह ये दो तैतीस तो बटे में दो साढ़े सोलह इज योर आंसर ठीक है प्लस माइनस है वो तो आप कर लोगे बस इसके बाद एक क्वेश्चन और एवरेज ऑफ फाइव कॉन्जुटिव इवन नंबर एक बात बताओ पांच कॉन्जुटिव इवन नंबर लिखता हूं मान लो मैं दो चार छ आठ दस बताओ इसका एवरेज क्या होगा ये हमेशा ध्यान रखना बीच वाला ऑड के लिए भी यही होगा इवन के लिए भी होता है एवरेज तो हमेशा बीच वाला होता है ना तो फाइव कॉन्जक्यूटिव इवन नंबर है ए बी सी डी और ई e. तो बताओ इसका एवरेज कौन होगा सी ना और एवरेज दे रखा है क्वेश्चन में सिक्सटी फोर अगर ये चौसठ है तो ये बताओ कितना होगा 62 और ये कितना होगा छियासठ ये होगा साठ ये होगा अड़सठ क्योंकि तो ये इवन नंबर है इवन नंबर है अब आपसे पूछा है वट इज द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डी यानी कि बासठ इंटू छियासठ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है छह गुना में दो बारह होता है ना दो आना चाहिए बाकी आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो इट्स टोटली ऑन यू साठ से किया तो च, साथ। फिर साथ को से किया कियातालीस सौ साठ और फिर दो से किया तो हाँ बानवे ठीक है क्या आ जाएगा आंसर मर्जी आपकी जैसे करना हो कर लेना ऐसे सीधा देख लोगे तो ज्यादा आसान है और अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोबेबिलिटी का अब इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीके से कर सकते हो मैं दोनों ही बताता हूं पहले मैं मुश्किल वाला बताता हूं जो आपने अब तक पढ़ा है दो डाइस को एक साथ थ्रो किया गया है आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है कि दोनों डाइस डाइस पे ही इवन इवन नंबर नंबर आए ओके द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग तो तो पहले तो जब दो, जब आप दो, डाइस को एक साथ थ्रो करते हो ना तो वन वन आ सकता है वन टू आ सकता है वन थ्री आ सकता है वन फोर आ सकता है वन फाइव आ सकता है और वन सिक्स आ सकता है ऐसे ही टू के साथ जाएगा थ्री के साथ जाएगा चार के साथ जाएगा पांच के साथ जाएगा और छ के साथ जाएगा तो टोटल कैसे बन कितने बनेंगे छत्तीस बनेंगे कितने बनेंगे छत्तीस अब पूछा है दोनों ही डाइस पे इवन होना चाहिए तो एक बात बताओ ये एक तीन और पांच वाला तो उड़ गया ना ठीक है क्यों क्योंकि ये तो ऑड है ना एक डाइस तो ऑड रहेगा ही रहेगा हमेशा बच गया ये तो यहाँ ये भी बचेगा देखो दो, दो दो चार और दो छे तो ऐसे कितने है? तीन यहां पे भी तीन यहां पे भी तीन तो टोटल नौ होंगे तो नौ बटे में छत्तीस एक बटा चार ये इसका आंसर है ठीक है, बट मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जो थोड़ा सा एडवांस है देखो चार केस इसमें बन सकते हैं आपसे पूछा जा, पूछा जा सकता है कि दोनों ही पे ये बताओ कि दोनों पे इवन नंबर आने के कितने चांस है तो इवन नंबर आने के चांसेस देखो पहले पे कितना है दो बार उछाला गया ना पहली बार में कितना वन बाई टू इतना ही है ना पहली बार में क्यों क्योंकि देखो तीन ऑड है तीन इवन है तो तीन बटा छ एक बटा दो और दूसरे पे कितना है दूसरे पे भी इतना ही है तो एक बटा दो गुना एक बटा दो एक बटा चार यह इसका आंसर है अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों पे ईवन ना आने के कितने चांस है ना आने के तो भैया आने के वन बाय फोर है तो ना आने का वन में से वन बाय फोर घटा दो तो थ्री बाय फोर क्लियर है अब यह पूछा है कि, कि किसी एक पर दोनों इवन आने के चांसेस चांस कितने हैं तो ये देखो किसी एक पर पूछा ध्यान रखना दोनों पे नहीं किसी एक पर तो ऐसा हो सकता है ना कि पहले पे इवन आए दूसरे पे ऑड आए या फिर पहले पे ऑड आए दूसरे पे ईवन आए ये भी तो हो सकता है ना हो सकता है ना यही दो केस हो सकते हैं कि पहले पे इवन दूसरे पे ऑड दूसरे पे ऑड पहले पे इवन यही पूछा है कि किसी एक पर और अगर ये पूछता कि कम से कम किसी एक पे तो ऐसा भी तो सकता ना कि दोनों पे इवन आ जाए इवन इवन

जाहिर सी बात है आपको लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना चाहिए या आपका दायित्व तो बनता है बाकी मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहो और दिल से पढ़ाई करो ठीक है और मेन्स निकालना है और जो दो वाले हैं वो भी इसको रेगुलर देखते रहे थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले सेशन में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो